दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि माँ की ममता बहुत ही दयावान होती है और इस संसार में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। एक माँ अपने बेटे को कभी भी अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन दोस्तों सोचिए, वो मंजर कितना भयानक होगा जब एक माँ ने अपने ही सगे बेटे को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना जितना सुनने में दर्दनाक लगता है, ये घटना उतना ही दर्दनाक सच्चाई है। और जब मैंने इस घटना को सुना तो मैं भी इसे सुनकर दंग रह गया और आप लोग भी इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों ये घटना बेहद ही सच्चाई पर आधारित है, जहाँ पर एक महिला पति के जाने के बाद अपने पड़ोसी के साथ रंगरलियाँ मनाती थी। एक दिन बेटे ने माँ को प्रेमी के साथ देख लिया, फिर माँ ने अपने ही बेटे के साथ जो किया उसे हर कोई सुनने के बाद दंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों घटना की पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी राजस्थान के श्रीनगर की है। दोस्तों यहाँ की वंदना नाम की एक महिला का राज प्रकाश नाम के व्यक्ति से कुछ सालों पहले प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसकी अभी उम्र 5 वर्ष थी। इस साल वो जून 2022 से अपने पति और बेटे के साथ एक कॉलोनी में किराए के मकान में आकर रहने लगी थी। दोस्तों उसी के रूम के बगल रहने वाले उमेश नाम के व्यक्ति से वंदना का नया मटक्का शुरू हो गया और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। पर दोस्तों ज्यादातर मामलों में देखा जाता है जब महिला और पुरुष में प्यार होता है तो वो यहीं तक सीमित नहीं रहता है। एक दिन पति के काम पे जाने के बाद वंदना ने उमेश को घर बुला लिया और वो उसके साथ रूम में गई। फिर क्या था, उसने अपने पड़ोसी उमेश के साथ अपने नापाक इरादों को अंजाम देने लगी। दोस्तों उमेश ने उसे उसके पति से ज्यादा प्यार किया क्योंकि शादी को भी 6 से 7 साल हो चुके थे। पति पर परिवार की जिम्मेदारी थी जिससे वो काम धंधे पर फोकस करने लगा था। उसे क्या पता था दोस्तों कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या गुड़ खिला रही थी। अब वो मौका मिलने पर पड़ोसी के साथ अपने नापाक इरादों को अंजाम देने लगी थी। दोस्तों वो पति के काम पे जाने के बाद पड़ोसी को अपने घर बुलाती थी और अपने नाजायज रिश्ते को बढ़ावा देती थी। इसी तरह से वो 4 महीने तक पड़ोसी के साथ नाजायज रिश्ता रख रही थी। एक दिन दोस्तों वो महिला अपने पड़ोसी को अपने घर बुलाकर अपने नापाक रिश्तों को अंजाम दे रही थी, तभी वहाँ पर उसका बेटा आ गया और उसने अपने माँ को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिससे वो घबरा गई कि कहीं उसने ये कहानी अपने पिता को बता दिया तो मेरा क्या होगा। बस दोस्तों उसने अपना भंडा ना फूटे इसलिए वो माता कुमाता बन गई। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मासूम बच्चे की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को एक बोरी में बंद करके छत पर डाल दिया। दोस्तों जब शाम हुई पति घर आया, उसने पत्नी से कहा बेटा कहाँ है, तो उसने कहा बाहर ही कहीं खेल रहा होगा। जब समय ज्यादा हुआ तो उन्होंने कॉलोनी में ढूंढना शुरू किया लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चला। फिर उसका पति थाने गया और बेटे की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल करने के लिए तुरंत टीम को घर भेजा। जब पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की तो पुलिस को कुछ सबूत मिले। उसके बाद पुलिस ने और गहराई से जांच की तो पुलिस को छत पर एक बोरी में उस बच्चे का लाश मिला। फिर दोस्तों पुलिस को घर वालों पर शक हुआ। इसके बाद बच्चे की माँ से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने डर के मारे अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और उसने वो सारी सच्चाई बताई जिस तरह से उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे को ही इस दुनिया से विदा कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक हैवान माँ ने किस तरह से अपने ही सगे बेटे को अपने प्रेमी के लिए जान से मार डाला और उसकी लाश को एक बोरी में बंद करके छत पर डाल दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई आप कितनी भी छुपा लो लेकिन सच्चाई का पर्दा एक ना एक दिन उठ ही जाता है। दोस्तों दुर्भाग्य से हमारा देश भी हवस की आग में जल रहा है। आप लोग ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाली औरतों से सावधान रहें, उनसे सतर्क रहें और अपने यार दोस्तों को भी सावधान और सतर्क रखें। और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।